ठीक है, उस कनेक्टर का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है, दिस इज RJ45 कनेक्टर जो आपके स्विच के पीछे लगता है। अब इसके बाद में ये किसमें लगता है, ये वायर टेक्नोलॉजीज के अंदर है तो वायर लगेगा, तो वायर मैं दिखाता हूं। दिस इज अ पैच केबल जो ऑलरेडी RJ45 के साथ क्रिम्प होके आई हुई है, दोनों तरफ से क्रिम्प होंगी। ठीक है, अब इस वायर के अंदर कितनी केबल्स होती हैं, तो पेयर ऑफ केबल्स होती हैं इसमें। कौन कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज व्हाइट कलर होता है, ब्लू होता है, ब्लू व्हाइट कलर, ग्रीन होता है, ग्रीन व्हाइट कलर होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन व्हाइट कलर होता है। तो देयर आर फोर पेयर ऑफ केबल्स, विच मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ केबल इज सर, 8 केबल। कलर पे कलर वेरिएशन क्यों सर? कलर वेरिएशन, अलग अलग केबल अलग अलग प्रोस्पेक्ट में अलग अलग काम करती है, उनके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एक कलर है, मैं आपको एक और केबल दिखाता हूं, देखो ऊपर आओ, ऊपर, चलिए ठीक है, मैं ओपन केबल दिखाता हूँ, तब तक आप फाइबर केबल दिखा देता हूँ। फाइबर केबल दे दीजिए सर, दिस इज फाइबर केबल, दिस इज फाइबर केबल। फाइबर केबल के दोनों एंड में फाइबर पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से कैप लगकर आती है इसके ऊपर। और फाइबर केबल ग्लास से बनी होती है पूरी की तरह, और इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ लाइट। इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ लाइट। ठीक है, तो ये एक तरह की फाइबर केबल है जो हम कनेक्शन करते हैं। अच्छा, ये फाइबर केबल के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत प्रकार के टाइप्स आते हैं। जैसे टू वे फाइबर केबल आती है, कोर प्योर डिपेंडेंट होती है। तो व्हाट इज कोर? कोर एने नंबर ऑफ केबल्स कितनी है। ठीक है, अगर एक कोर की केबल है मतलब एक वे पाथ करेगा, दो कोर की केबल है विच मीन्स दैट बाय डायरेक्शनल पाथ होंगे सिंगल वे केबल में, तीन कोर है तो तीन प्रकार की केबल चाहिए जो आना जाना और कॉमन शेयरिंग होगी। एक केबल कई बार दूसरी तरह से होती, जैसे हाँ, ये मिला, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केबल्स, ये दिख रही है, ऑरेंज व्हाइट, सॉरी ब्राउन व्हाइट दिख रही है, ब्राउन ब्राउन के साथ ब्राउन व्हाइट एक कॉम्बिनेशन में होगी। ठीक है, उसके बगल में है ब्लू व्हाइट, ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन, ग्रीन व्हाइट ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन, एंड ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज के साथ कॉम्बिनेशन। ये टोटल नंबर ऑफ फोर कोएक्सियल केबल है इन अ बंच ऑफ वन केबल। अब ये केबल है, केबल में टाइप्स भी आते हैं, किस किस टाइप के हैं। तो हम अभी बेसिकली सबसे ज्यादा यूज हो रही है फाइबर केबल आज के टाइम में। अब ये जो फाइबर केबल है, इस केबल को कनेक्ट करने के लिए हमें मीडिया कन्वर्टर्स की जरूरत होती है। मीडिया कन्वर्टर्स, ये है वो मीडिया कन्वर्टर। इन फाइबर केबल को कनेक्ट करने के लिए मीडिया कन्वर्टर की जरूरत होती है। आप देख सकते होंगे कि यहां पे लैन पोर्ट दिखा हुआ RJ45 कनेक्टेड का, उसके बगल में यहां एक पोर्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये जो केबल है। यस सर, इस केबल को इसमें इंस्टॉल करने के लिए पोर्ट पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। बहुत सॉफ्टली कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो फाइबर केबल से होती है और कांच बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए बहुत सॉफ्टली कनेक्टेड होता है। अच्छा, इस पोर्ट के अंदर आप लोगों को केबल के अंदर कितने प्रकार की लाइटें दिख रही हैं? छह लाइटें दिख रही हैं, छह प्रकार की सर, छह। हाँ सर, टाइप ऑफ लाइट दिख रही हैं। हर लाइट का एक पर्पस है, अब वो क्या पर्पस है उसमें लिखा हुआ है। जैसे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है 1000 M, ये जो 1000 M है विच मीन्स दैट ये किस तरह का कनेक्टर है और उसकी मैक्सिमम स्पीड्स क्या है। तो ये गीगाबाइट वे में कनेक्टेड है, 1000 Mbps ट्रांसफर करने वाला कनेक्टर है। फाइबर की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लैन की कंपैरेटिवली उससे कम होती है,
तो ये किस पोर्ट में कन्वर्ट करेगा, 1000 मेगाबिट्स। अभी इससे पहले हमने बताया था कि स्विचर्स और